नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनू कुमार। मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोनू पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी हम आए हैं ईरान में, ईरान के याज सिटी में हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आए हम एक नया प्लांट 30 टन की फर्निस है उसको आरक्षण करने। तो आइए दिखाते हैं यहाँ कैसे आरक्षण करते हैं, अभी कहाँ तक काम पहुँचा है, कहाँ तक काम हुआ है। तो चलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो मैं आपको लाऊं तो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास जल्दी पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों, आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे यहां काम। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, अभी हमारा प्लांट का काम इतना चला है, अभी सिविल का काम हो रहा है। ये देखिए कितना मजबूत यहाँ का फाउंडेशन बना है दोस्तों। ये देखिए अभी यहाँ पे कितना RCC किया हुआ है, नीचे 1 फीट किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अब 2 फीट यहाँ पे हुआ है पूरा बांधने के, इसको मजबूती के लिए। अब इसके बाद दोस्तों इसमें इसको स्टोन से छोटा छोटा पत्थर के टुकड़े से दोस्तों इसको भरेंगे, कहाँ तक ये जितना ढलाई हुआ इतना तक। इसके बाद इसके ऊपर फिर दोस्तों ढलाई होगी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा इधर छोटा छोटा पत्थर है जो स्टोन है, इसको हम भराई काम चालू है और इधर भी सिविल का काम चालू है। इधर से देखिए दोस्तों इतना दीवार कंप्लीट हो गया, अभी स्लेप लगाना बाकी है। सेट भी अब लगभग कंप्लीट हो गया है, केवल सीट डालना है। देखिए इतना काम चला है, आइए मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारा एक क्रूसिबल तैयार हो गया है, इसका फर्निस का फाउंडेशन अपना एक तैयार हो गया है और एक आगे वहाँ पे है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक दोस्तों देखिए यहाँ पे है और एक दोस्तों वहाँ पे है। ये हमारा 3 भट्टी का क्रूसिबल दोस्तों बन रहा है, एक होल्डिंग भट्टी रहेगी और 2 रनिंग रहेगी। इधर से भी दोस्तों इतना दीवार कंप्लीट हो गया है, आगे का काम प्रोसेस में है, चालू है। और अपना इधर देख सकते हैं सेट का भी काम इधर हो गया है और इधर भी एक सेट बन रहा है जिसमें रोली मिल लगेगी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कैसे रोली मिल का हम आरक्षण कर रहे हैं, रोली मिल का काम भी चालू है। आइए दिखाते हैं आपको मैं फर्निस, भट्टी भी आ गई है, ट्रांसफार्मर भी आ गया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मेरा ट्रांसफार्मर यहाँ पे आके रखा हुआ है और इधर एक भट्टी का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है और अपना 2 भट्टी दूसरा का यहाँ पे स्ट्रक्चर है और 2 भट्टी हमारे यहाँ पे हैं जिसको ढक के हम रखे हैं ताकि बारिश वरिश से। और एक हमारा प्लांट यहाँ 10 टन की चल रही है और इधर भी काम चालू है दोस्तों। इधर देखिए ट्रांसफार्मर का भी स्लेप लगेगा और दीवार का इधर अपना भट्टी का है, देख सकते हैं इतना काम कंप्लीट हुआ है, इतना बाकी है, अभी लगभग 2 महीने लगेंगे दोस्तों। दोस्तों इतना काम हुआ है, अभी जैसे जैसे आगे होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम आरक्षण कर रहे हैं, कैसे कैसे इसको भट्टी को बैठा रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।